हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका शर्मा जी के रिव्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो को यार पूरा देखिएगा। अगर दोस्तों आप हैं एक जियो यूज़र, जियो का मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट है इस वीडियो में दोस्तों। तो यार पूरा देखिएगा वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल आइकन भी दबा देना, तभी आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों जल्दी से जल्दी इस अपडेट की। आपको दोस्तों बता दूं कि कल से 10 अक्टूबर से अगर आप जियो का मोबाइल नंबर, जियो का नंबर यूज कर रहे हैं, तो कल से अगर आप जियो से किसी और ऑपरेटर को अगर आप कॉल करते हो, चाहे वो एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, आपको दोस्तों पे करने पड़ेंगे 6 पैसा प्रति मिनट हर एक कॉल के लिए। तो 6 पैसा प्रति मिनट आप जो है वो पे करोगे। जियो ने कुछ ऐसी जो है अपडेट जो है वो दी है अपनी वेबसाइट पे, उन्होंने ओवरऑल जो है वो अनाउंसमेंट करी है उस चीज की। इसीलिए बड़े भारी मन से हमने एक फैसला किया है, वो ये कि आईयूसी के खत्म होने तक ये 6 पैसे प्रति मिनट का चार्ज आपके यानी ग्राहकों के खाते में डाला जाए, और आपको जो अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा उसके एवज में जियो आपको इसके बराबर का ब्रॉडबैंड डेटा पूरी तरह फ्री देगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं वो क्या इन्होंने ये लिखा है। जियो परिवार के प्रिय सदस्य, मोबाइल कॉल संबंधी शुल्कों पर हो रहे रेगुलेटरी नीतिगत बदलावों के कारण जियो के पास अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है कि वह नॉन जियो मोबाइल वॉइस कॉल के लिए अपने ग्राहकों से शुल्क चार्ज करे। तो यहां पर दोस्तों आपको बता दूं ये एक IUC चार्ज होता है जो एक ऑपरेटर जो है वो दूसरे ऑपरेटर को देता है, जो कि 6 पैसा प्रति मिनट का जो शुल्क है वो देता है एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर को। तो जियो बता रहे ऑलरेडी, ये आपको बता दूं ट्राई ने ऑलरेडी ये चीज जो है अप्लाई करी हुई है, ऑलरेडी ये चीजें जो है वो ऑलरेडी जियो दे रहा था बाकी जो ऑपरेटर्स को, तो बाकी ऑपरेटर भी जो है वो खुद पे कर रहे थे इस चीज को। दोस्तों शुरुआत में जियो को लगा हुआ कि एक बार यार फ्री दे देते हैं, एक बार जो है सबको जो है वो आदत डाल देते हैं जियो की, उसके बाद जो है हम चार्ज वसूलना शुरू कर देंगे, या फिर उन्होंने ये भी सोचा होगा कि हो सकता है ट्राई जो है वो इस चीज को जो है वो खत्म कर देगा। बट अभी जैसे ट्राई ने उस चीज को खत्म नहीं किया, IUC चार्ज जो कि होता है दोस्तों इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज, उसको जो है खत्म नहीं किया, तो इसलिए जियो ने ये जो है नोटिफिकेशन निकाली है कि कल से 10 तारीख से दोस्तों 6 पैसा प्रति मिनट जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप जियो से दूसरे नेटवर्क पे दोस्तों आप कॉल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि इन्होंने कुछ वाउचर्स भी निकाले हैं जो शुरुआत होती है दोस्तों 10 रुपये प्रति वाउचर के हिसाब से, और उसमें जो है आपको कुछ मिनट्स भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको जो है वो कुछ डेटा भी मिल जाएगा। तो इन्होंने उस हिसाब से बनाया कि जो सामने जो यूज़र है उसको भी चुभे ना कि मतलब हाँ भाई बहुत ही ज़्यादा एकदम से रेट बढ़ा दिए। बट यार सिर्फ एक चीज़ मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, जब पहले फ्री दिया अब क्यों नहीं, ये चीज़ जो है हम जियो से जो है वो पूछना चाहेंगे, या फिर दोस्तों हम जो है ट्राई को भी जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो है चार्जेस जो है IUC चार्जेस जो कि बहुत ही नॉमिनल है वो जो है वो इसको रिमूव करें, ताकि किसी को भी कोई चार्जेस जो है वो पे ना करना पड़े। तो बस दोस्तों ये जो है एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना था। बाकी दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या जियो का ऐसा करना सही है या गलत है, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से चार्जेस जो है बहुत ही नॉमिनल है, बट फिर भी लगने नहीं चाहिए थे, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ एक चीज जो है आप ये भी बताइएगा क्या आपको लगता है इससे जो है बाकी ऑपरेटर भी ऐसे कुछ चार्जेस जो है वो वसूलना शुरू कर देंगे। तो अगर ये चीज ऐसे हो गई तो दोबारा से हो सकता है दोस्तों आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में और भी ज्यादा जो है वो चार्जेस हमें पे करें। तो क्या आप इस चीज को सपोर्ट करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन भी दबा देना, तब आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।